हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, ग्रास फील्ड, ठीक, और एक हॉर्स आपका बंधा हुआ है और जो उसकी रस्सी है वो आपकी 5 मीटर है और ये जो आपका स्क्वायर है ये आपका 15 मीटर का है। चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया निकालना उस पार्ट का जितना कि वो जो हॉर्स है ग्रास चर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी इसकी घोड़े से बनी हुई रस्सी है और ये 5 मीटर की है। तो जो हॉर्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही घास ग्रेज कर सकता है। अब इतनी घास, अब ये आपका क्या शेप बन गया? ये आपका बन गया क्वाड्रेंट या सेक्टर। अगर आप सेक्टर लेते हैं इसे तो फिर थीटा डिग्री लेना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री, और अगर आप क्वाड्रेंट लेते हैं तो 1/4 πr². दोनों ही फॉर्मूले से ये करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये क्वाड्रेंट है पूरा और सेक्टर भी है। तो ये आपकी इच्छा है कि किस तरह से आप करते हैं। एरिया ऑफ एक सेक्टर निकालेंगे, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 πr² और अगर आप क्वाड्रेंट निकालते हैं और एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इसका फॉर्मूला 1/4 πr² आ जाएगा। तो दोनों ही फॉर्मूले से ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों हो गया 1/4 π आपका कंडीशन, आपके पास 3.14 ही लेना है। और आर मीन्स क्या बच्चों? जितनी लंबी रस्सी उतना लंबा आर, ये आर आ गया आपका 5 × 5, ये आपका हो गया 1/4 × 3.14 × 25। 3.14 में 25 की आप कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपका आएगा 78.5/4, 4 का डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आएगा 19.625 m². ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ यदि द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। ये जो रूप आप देख रहे हैं 5 मीटर की जगह पर अगर 10 मीटर कर दी जाए तब आप उसका एरिया निकालना है, सेकंड पार्ट। तो आपकी जो आर है वो आपकी 10 मीटर हो गया। अब निकालेंगे आप एरिया, फिर से आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/4 πr², ये आपका हो गया 1/4 3.14 और ये आपका हो गया 10 × 10। देन अभी आपका हो गया 2 × 4 2 × 5 = 10,
then 2 5 are 10 3.14 multiply 5 then इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और ये आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना इंक्रीजिंग एरिया। यहाँ लिखेंगे बच्चों इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो 78.5 में से माइनस कर देंगे आप 19.625, तो आपका आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर, एक ब्रॉच बना हुआ है सिल्वर वायर से इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, तो आपके पास डी है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, और ये जो आपका ब्रॉच है वो 5 डायमीटर्स का बना हुआ है। इट मीन्स ये आपका रेडियस, ये आपका डायमीटर, तो ऐसे ऐसे बच्चों आपके पास 5 है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, और ये आपके पास 10 इक्वल सेक्टर बने हुए हैं, ये 10 इक्वल सेक्टर। आपको फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, तो इसकी जो बच्चों आर है वो हो गई 35/2 मिली मीटर। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो आपके पास 5 तो डायमीटर्स हैं, तो 5 आपके पास डायमीटर हैं और डायमीटर आपके पास है 35, तो 5 × 35 प्लस, और ये जो आप देख रहे हैं सर्कल के शेप में ये भी वायर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सरकमफ्रेंस 2πr, तो सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर्स, तब आपकी लेंथ फाइंड होगी। तो ये आपका हो गया 175 प्लस सरकमफ्रेंस मीन्स 2πr होता है, ये आपका होगा 175 प्लस 2 × 22/7, और जो r है आपके पास कितनी है 35/2, ये आपका हो गया 175 प्लस 7 × 5 = 2 कैंसिल 110, और ये आपका बच्चों आ गया 585 मिलीमीटर आपका टोटल लेंथ ऑफ द वायर हो गया। सेकंड पार्ट चलते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट में उसने कहा है आपसे द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके लिए आपको एंगल भी चाहिए। अब आपको एंगल निकालना पड़ेगा, पहले थीटा इक्वल सर्कल आपका होता है 360 का, 10 इक्वल पार्ट्स आपके पास है, 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 36 डिग्री। अब निकाल दीजिए इसका एरिया, एरिया इक्वल थीटा अपॉन 360 × πr² सेक्टर का एरिया, ये आपका होगा 36 अपॉन 360 × 22/7, आर आपके पास 35/2 और 35/2, ये आप कर दीजिए सिंपलीफाई से 10 जा बार और 2 से कर दीजिए इसे 11 जा बार और 7 × 5 = 35 हो गया, तो ये आपका आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 5
मल्टीप्लाई बाय 35, अभी और काट सकते हैं 5 2 10 और 5 7 35, तो आपका हो गया 7 अपॉन नीचे बचा 4, ये आपका हो गया 55 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4, और ये बच्चों आपका आ गया 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो आपके पास आर आ गया 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपके पास रेडियस है इसकी, उसने पहली कहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 और इसके अंदर 8 रिब्स हैं, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ रिब्स आपके पास है 8। सबसे पहला काम हमारा होता है बच्चों थीटा निकालना, एंगल निकालना। तो इसे क्यों निकालेंगे, सर्कल होता है 360 का और इसके अंदर 8 रिब्स हैं, जब आप इसे करेंगे सिंप्लीफाई तो आएगा 45 डिग्री, तो थीटा आपका हो गया 45 डिग्री। अब आप फाइंड करेंगे एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो यह आपका हो गया एरिया इक्वल थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज लाइक ए सेक्टर। थीटा आपका आ गया 45 डिग्री अपॉन 360, 22/7 आर आपके पास 45, 2 लिख दीजिए, इसे करेंगे सिंप्लीफाई 5 9 5 7 2 और 9 8 फिर 2 से काट देंगे 2 4 8 2 11 तो आपका आया 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 28। इन सब की अब करेंगे आप मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।